हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर दर्द की प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, सिर दर्द एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर आपके सर में दर्द है और आप उसे ठीक करने के लिए कोई भी मेडिसिन या दवा लेती हैं, तो आप ये दवाई लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हल्के से सर दर्द होने पर भी दवा लेते हैं, तो ये आगे फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि फिर ये दवा लेना आपकी ज़रूरत बन जाती है। तो दोस्तों, ये दवा जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का नुस्खा मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपके अगर सर में दर्द है, हल्का है या फिर भयंकर से भयंकर सर दर्द हो रहा है, तो आप उसको कैसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पे ही। दोस्तों, आपके घर में किचन में कुछ ऐसे सामान होता है जिसके इस्तेमाल से आप अपने सर दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इसीलिए है। दोस्तों, वीडियो मतलब ये नुस्खा बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आपको अपने सर दर्द की रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मतलब ये बाउल में जो देख रहे हैं आप, ये चूरन है। दोस्तों, ये जो हमने चूरन बनाया है, हमने ये चूरन बनाया है काली मिर्च दाना। जी हाँ दोस्तों, ये काली मिर्च दाना आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल सकती है। ये हर किसी के किचन में होती है। दोस्तों, आप इसी से अपने सर दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में और चुटकियों में। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ये काली मिर्च मतलब 10 से 12 काली मिर्च की मतलब लेनी है दाने, और इसको आपको मतलब कूट के चूरन सा बना लेना है। तो दोस्तों, आपके 10 से 12 काली मिर्च लेकर मैंने चूरन पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये लगभग 1 चम्मच चूरन होगा। आपको भी 10 से 12 काली मिर्च दाना लेना है और इसका कूटकर चूरन बनाना है। आपको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, आपको सिर्फ कूटना है ताकि ये मोटा मोटा सा चूरन सा बन जाए। तो दोस्तों, अब आपको लेना होगा इसमें 1 गिलास पानी। तो दोस्तों, आप 1 गिलास पानी लेंगे मतलब इस रेमेडी को बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, आपको भी 1 गिलास पानी लेना है, और ये काली मिर्च का जो हमने चूरन बनाया है ये आपको इस पानी में ऐड करना है। दोस्तों, आप इस काली मिर्च चूरन को पानी में डाल देंगे। दोस्तों, आपको ये काली मिर्च चूरन पानी में डालना है। दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है, आप एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप खुद बोलेंगे कमेंट करके, मैम ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है सर दर्द की। तो दोस्तों, आपको तीसरी चीज़ लेनी है इसमें हनी, यानी कि शहद। दोस्तों, जो आपको मतलब शहद सूट करता हो आप वो शहद इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैंने 1 चम्मच शहद लिया है और इन तीन मतलब दोनों को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे और ये एक ड्रिंक सा बनके तैयार हो जाएगा। और ये ड्रिंक पीते ही आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।